देखेंगे क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं लोग, क्यों ऑर्डर्स नहीं आते, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमने पहले जो है ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर की थी, आज ऊपर जो भी गिग्स हैं उनको रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, अगर मैं यहाँ पे फाइवर पे आ जाता हूँ, यहाँ से रेवलेंस की जगह बेस्ट सेलिंग को उठा लेते हैं, ठीक है। बेस्ट सेलिंग आ गया, अच्छा। अब बेस्ट सेलिंग के बाद ये देखो ड्रॉप शिपिंग वीडियोस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्यों इस गिग को खोलने लगा हूँ, क्योंकि इससे क्लिक थ्रू एक्शन मेरे लिए आसान बनाया, CTA मेरा एक्शन था, ठीक है। CTA बहुत ज़्यादा आसान था, बताता हूँ कैसे। अब ये देखो दूसरा मैं ये उठा रहा हूँ जैफा के, जो मर्जी वो काम कर रहा है और जितने मर्जी का कर रहा है, डोंट केयर, ठीक है। ये मैं सिर्फ थंबनेल की पावर बता रहा हूँ आपको, ये भी एक थंबनेल अच्छा है, ठीक है। ये थंबनेल बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये वाला मुझे अच्छा लगा था, इसको भी हम खोल लेते हैं। दिस लुक्स काइंड ऑफ कूल, ठीक है। और अगर हम देखते हैं आगे, अच्छा अब अगर देखो ये देखो, सिर्फ मैंने अभी कोई थ्योरी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, तुम्हारे सामने 7 ऑर्डर्स इन क्यू आ गए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है यार, इनको ऑर्डर्स क्यों मिल रहे हैं, थंबनेल के ऊपर है। देखो मेन चीज़ ही थंबनेल है, हर चीज़ का जो पूरा इस पूरे फाइवर का दारो मदार है वो है थंबनेल। तुम्हारा ठीक होगा यार, तुम्हारे सारे मसले ठीक होंगे, थंबनेल ही तुम्हारा ठीक नहीं होगा, तुम्हारा कोई भी मसला नहीं ठीक होने लगा, ठीक है। अच्छा, आप सबसे पहले अगर हम इसके थंबनेल देखते हैं, इसके पहले सारे मैं देखता हूँ थंबनेल, ये देखो। अब देखो पहले वाले में उससे CTA की मैं आपको बात कर रहा था। सबसे पहले देखो कलर कॉम्बिनेशन, ज़रा आप लोग देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मेरे जैसा बंदा होगा तो सबसे पहले नोट पैड खोलता है, ठीक है। और अगर मैं यही थंबनेल बनाना चाह रहा हूँ अपने लिए, तो मैं यहाँ पे आई ड्रॉपर एक्सटेंशन एक यूज़ करता हूँ, आई ड्रॉपर एक्सटेंशन, कलर पिकर, कलर ज़िला, बल्कि कलर ज़िला, ठीक है। ये कलर ज़िला एक्सटेंशन है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। इंटरनेट एक तो यार बड़े गंदा सिग्नल आते हैं यहाँ पे यार, बड़े ऑफ सीन है। अच्छा देखो ये एक्सटेंशन ऐड हो गई, यहाँ से मैं इसको यहाँ से, एक मिनट, ठीक हो गया, ठीक है, ये आ गई। और मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ पिन। अच्छा अब सबसे अच्छी चीज़ है कि इनकी कलर कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट लगी मुझे। अब देखो सबसे पहले अब मैं कलर्स उठाऊंगा, ये मैंने उठाया येलो, ठीक है, ये कलर येलो, इसको हमने उठा लिया येलो, इसने यूज़ किया। और ये वही फॉन्ट्स हैं जो मैंने आप लोगों को दिए थे, मॉन्टेसराट फैमिली है, ठीक है। इतना यूज़ कर लिया है कि अब मुझे समझ आ गई है। ये आ गया हमारा रेड, ये आ गया हमारा रेड। उसके बाद जो तीसरा कलर जिसने यूज़ किया है, दोबारा से एक्सटेंशन को क्लिक करो तो ये मिलेगा आपको, ये वाला कलर विच इज़ ब्लू, ठीक है। अब इन तीन कलर को यूज़ करके आप लोग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, बात समझ में आ गई। ये मॉन्टेसराट फॉन्ट उसने यूज़ किया हुआ है, सेम चीज़ तुम बना सकते हो। ये उड़ता हुआ बंदा कैसा है, उड़ता हुआ कोई भी ग्रीन स्क्रीन पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। गूगल पे लिखो फ्लाइंग मैन लोकल इन ग्रीन स्क्रीन, ले लो। यहाँ से इमेजेस पे जाओ, लातादात तुम्हें लोग उड़ते हुए मिल गए, ठीक है। यहाँ से इसने उठाया और ये क्रोमा मार दिया इसने, बस फोटोशॉप के ऊपर, या बैकग्राउंड रिमूव कर दिए, ख़त्म,
हमारे पास एग्जैक्ट उड़ते हुए बंदे आ जाएंगे जो इससे यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो ये इमोजी रिएक्शंस हैं, ये भी मैं आप लोगों को गूगल से ही निकाल के दे देता हूँ। इमोजीज फ्लाइंग आई गेस था, ये लो ये वाले इमोजीज भी आ गए। ठीक है, इस तरह का कुछ पैटर्न है, तो ये तुम लोग थोड़ा सा नीचे रिसर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये वाले लगे हुए हैं। ठीक है, ये अगर मैं इसको खोल के आप लोगों को दिखा दूँ, ये लगा हुआ, तो इतना आसान तो काम है यार ये सारा कुछ। ठीक है, ये इसने लगाए हुए वो इमोजीज, ये 24 आवर डिलीवरीज, एक उसने रेक्टेंगल बनाया है, 24 आवर डिलीवरी लिखा है, और उसको थोड़ा सा कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म करके रोटेट किया, बस और कुछ भी नहीं है। एरो कुछ भी नहीं है, पहले इसने ऐड क्रिएटिव लगाया, उसका स्क्रीनशॉट लगाया, ठीक है, और उसके साथ एक एरो लगा के ड्रॉप शेडो दे दिया, खत्म, बन गई, पूरी थंबनेल ही बना दिया मैंने। ठीक है, अब कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये वीडियो सीरीज चलती जाएंगी, एक एक थंबनेल्स आप लोगों को बनाना भी सिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो कॉपी थंबनेल इसके लिए आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे देखो सेकंड थंबनेल, पहले थंबनेल में उसने मेरी अटेंशन ग्रैब की है, कैसे, 3 ड्रॉप शिपिंग वीडियो एड्स। ठीक है, ये था इसका CTA, बात समझ रहे हो, इसलिए उसको थंबनेल आ रहे हो। 17,000 रुपये की गिग बेच रहा है, मतलब यार सोचो। उसके बाद हु एम आई, 15 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हु हैज़ मेड ओवर 140,000 डॉलर्स इन सेल्स फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, इस बंदे ने खुद भी जो है अपने सेल्स से 14,000 डॉलर्स की सेल्स की हैं फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग। प्रॉफिट कितने का गया ये नहीं पता, सेल्स की हैं। ठीक है, और ये कुछ उसकी वीडियोज़ हैं। एडिटिंग बहुत कमाल की है बंदे की। ठीक है, अच्छा ये अगर मैं देखना चाहूँ तो ये भी कुछ इसके थंबनेल है। सिर्फ ट्रांजिशंस का खेल है, सिर्फ ट्रांजिशंस का। अगर तुम्हें ट्रांजिशंस खेलना आती हैं तो तुम इजीली ये वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, अब ये वाली देखते हैं। देखो मतलब एक बहुत ही प्यारी चीज इसमें जो है, छोटी छोटी चीजें जैसे क्लिप्स ज्वाइन करके जो है ये वीडियो एड्स बना रहा है। ठीक है, कोई इसका अपना कंटेंट नहीं है, इसने सारा एड मीडिया बाय किया हुआ है। ठीक है, मीडिया बाय क्या होता है वो मैं आप लोग किसी और वीडियो में समझा दूंगा। दिस इज लिमिटेड टाइम प्राइस, एक लिमिटेड टाइम के लिए ये प्राइस रखी है। ठीक है, टिल दे बिल्ड अ रेपुटेशन ऑन फाइवर, उसके बाद जो है ये प्राइसेस को बढ़ा देंगे। माई वर्क फिलोसफी, योर रिवॉर्ड्स इन लाइफ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू योर सर्विस, 3 सेकेंड्स। अब देखो कैसे वो अपनी कॉपी राइट कर रहा है, 3 सेकेंड। फॉर टूडेज डिस्ट्रैक्टेड पर्सन योर वीडियो एड मस्ट इंगेज अस, लीडिंग देम टू बाय। बात समझ में आ रही है? उसके बाद 2 ईयर्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग एक्सपीरियंस एंड मेकिंग ओवर 150K सेल्स वाइल टेस्टिंग ओवर हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट हैज टॉट मी डेट एवरी सेकेंड मस्ट बी केयरफुली क्राफ्टेड टू फ्लो एंड गाइड द रीडर विदाउट लूजिंग देम। अब वो बता रहा है कि मैंने बहुत हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स टेस्ट किए हैं, तो मुझे पता है कि वॉट्स मिसिंग टूडे। ठीक है, क्या चीज़ है जो मार्केट में चल रही है, वो हो सकता है फेसबुक ऐड कैसे बनाना है, वो कौन सी कॉपी कैसे लिखना है, वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब इसकी प्रोफेशनलिज्म ऐसे भी शो हो रही है कि जिस तरीके से इसने अपनी किक की डिस्क्रिप्शन को कॉपीराइट किया है, नज़र आ रहा है कि कोई प्रोफेशनल कॉपीराइटर इसमें है जो इसकी ऐड क्रिएटिव्स की कॉपी भी बना रहा है, हो सकता है, और वीडियो एक्सपर्ट है, तो कोई ना कोई कॉपी राइटर इसके साथ या तो जुड़ा हुआ है या फिर ऑनबोर्डेड है। ठीक है, जिसको उसने हायर किया हुआ, तो बात समझ में आ रही है? ये चीज प्रूफ कर रही है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना प्रूफ करता है कि इसको एड क्रिएटिव की कॉपी लिखना आता है। बात क्लियर हो गई? अगर आपको ये चीज, देखो जब बायर आता है तो ये सब चीजें देखता है, जब तक उसको इस चीज से कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो यार मैं फेसबुक एड का एक्सपर्ट हूं, मुझे कॉपी राइटिंग करना है, मुझे अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन की कॉपी राइटिंग नहीं आ रही है, उसको कॉपी राइट करना नहीं आ रहा, तो मैं किस तरीके से इस चीज़ को बेचूंगा मार्केट में। ठीक है, अब देखो
एट द एंड, फिर से मैं आखिरी लाइन के बजाता हूँ, इफ दे हिट वन पुअरली चूजन कैप्शन और वन लिटिल ब्राउन गुम्बा इट्स ओवर, दे आर ऑलरेडी स्क्रॉलिंग। एडिटिंग फॉल्ट हो सकता है, नॉर्मल है, ठीक है। आपने ट्रांजिशन लगानी थी, आप ट्रांजिशन लगाना भूल गए, आपने दूसरी चीज़ें करनी थी, आप वो लगाना भूल गए, तो कोई भी ब्राउन लिटिल गुम्बा जिसको उसने एग्जाम्पल दिया है, इट्स ओवर, दे आर ऑलरेडी स्क्रॉलिंग डाउन टू दैट मीम बिलो योर वीडियो। अब वो क्या कर रहे हैं, जो आपका व्यूअर है वो उस वीडियो को छोड़ के जो नीचे उसके मीम आ रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, उसके ऊपर ज़्यादा अटेंटिव है, ठीक है, तो वो फिर सेल्स नहीं ड्राइव होती। तो अब देखो वो बता रहा है, वो इस पूरी जबान में आपको उसने क्लियर भी कर दिया कि यार आपका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एंड आई हैव द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर इट। अब तो मुझे बताओ पाकिस्तान में कौन ऐसा बंदा था जिसने ऐसा गिग डिस्क्रिप्शन बनाया हो और फिर मैं बोलूँ और फिर मैं उससे कहूँ या वो मुझे आके यही कंप्लेन करे, सर क्या हम वाकई इस काबिल हैं कि हम इस तरह की कॉपीराइट करें, हम गोरे की जबान में कॉपीराइट करके उसको उसकी चीज़ बेचें? नहीं। यहाँ पे कन्वर्जन रेट क्यों ज़्यादा है? देखो 7 ऑर्डर्स इन क्यों मैं कहता हूँ कम है, 6,000 ऑर्डर्स एक बंदा कंप्लीट करके बैठा है, और अगर बेसिक प्राइसिंग उसकी 17,000 है तो यार देखो नज़र आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा मेरे बच्चों, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, कभी भी कारोबार शुरू करो अपने साथ लोगों को जोड़ना स्टार्ट करो, हर चीज़ अपने सर पे ना डालो। मैं जैसे इंग्लिश में वीक हूँ, ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों की नहीं देता, तो मुझे ज़रूरत होगी कोई कॉपीराइटर की जो कॉपीराइट एक्सपर्ट है, ठीक है, उसको मैं बोलूँगा देख भाई 17,000 मैं कमा रहा हूँ ना पर ऑर्डर, तू मुझसे 3,000 ले लेना, मुझे गिग डिस्क्रिप्शन कॉपीराइट करके दे। बात समझ में आ रही है? तू ऐड क्रिएटिव्स के ऊपर फोकस कर, मैं डिज़ाइन करता हूँ, मैं वीडियो ऐड बनाता हूँ, तू सिर्फ ऐड की कॉपी बना के दे मुझे। बात क्लियर हो रही या नहीं हो रही? तो इतनी सारी चीज़ें जब तक आप लोग नहीं शो करोगे, यार 6,000 ऑर्डर अगर उसने किए हुए हैं तो अब आप सोचो अगर वो ड्रॉप शिपिंग ना भी करे तो 17,000 से 6,000 ऑर्डर लगा लो, ही इज़ अ सुपर डैम मिलियनेयर ब्रो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे या इसके ऊपर चीज़ों को आसान बनाओगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसके FAQ सेक्शन पर जाते हैं। देखो पिछली वीडियो में मैंने बताया था एक FAQ था पाकिस्तानी का, फिर उसके बाद वही कंप्लेन आती है सर ऑर्डर नहीं आ रहे। अब देखो ये गोरा है, ऑस्ट्रेलिया का है, कितने FAQs हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 FAQs तो इसने मुझे नज़र आ रहे हैं कि 10 हैं, ठीक है, 10 FAQs। उसके बाद 11,000 इसको किसी ने, लोगों ने लाइक किया हुआ है। तो यार ये सब चीज़ें मजाक तो नहीं होती ना। अब देखो 6,000 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं लोगों ने और 11,000, तो किसी वजह से लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद भाई अगर हम पैकेज डिस्क्रिप्शन और पैकेज प्राइसिंग पे आ जाएं, अब देखो सबसे नीचे जाओ, नीचे जाके PKR को मैं कर देता हूँ, PKR से मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अब ये भी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, इंटरनेट का कोई ना कोई मसला होगा लाजमी। ये देखो यार ये PKR है ना, अब ये पता नहीं क्यों डॉलर्स में नहीं जा रहा, खैर यहाँ से वो डॉलर में हो जाता तो आप लोगों के लिए आसानी होती। अच्छा, अब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे आज तक ये सवाल करते हैं, सर ऑर्डर नहीं आ रहे, सर 5M पोटेंशियल नहीं है, तो ये क्या है? आपके सामने पोटेंशियल है, 7 ऑर्डर्स इन क्यों पड़े हैं इस बंदे के, ठीक है, क्या इसको इसके बाद बिजनेस नहीं है? अगर इसके बाद बिजनेस है और ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। द पॉइंट इज दैट यू ऑल आर मिसिंग, आपको कॉपी राइटिंग नहीं आ रही, आपको SEO नहीं आ रही, आपको ग्राफिक थंबनेल्स बनाना नहीं आ रही, जिस वजह से वो लूप होल्स हैं, वो लैक्स हैं। जब यार इसके पास 7 ऑर्डर्स हैं तो पाकिस्तानी के पास ऑर्डर्स क्यों नहीं है? मेरा आज सबसे लाइफ के ऊपर यही सवाल है कि जब सबके पास ऑर्डर्स हैं तुम्हारे पास फाइवर पे ऑर्डर क्यों नहीं है, क्यों नहीं आते ऑर्डर्स? तो जब तक अपनी गलती को नहीं देखोगे जब तक ऑर्डर्स नहीं आएंगे, मैं क्या ही कर लूँगा, ठीक है, मैं कितना आपको जो है बता सकता हूँ, लेकिन मेरा अब काम यह है कि मैं एक्चुअल रिजल्ट्स के, जब तक मैं ये पॉजिटिव साइड नहीं कवर करूंगा, कोई भी यूट्यूबर आपको आगे बोलेगा जी $5 के पीछे लगाएगा और सारी ज़िंदगी $5 के पीछे ही लगा रहेगा। मेरे इतने सब्सक्राइबर लिस्ट में अब भी मौजूद हैं इस चैनल के ऊपर जिन्होंने 5, 5, 10, 10, 15, $15 बनाए हैं, लेकिन कितनों ने उसको पाकिस्तान से विड्रॉ करवाया है आप उनके नंबर देख लो जाके, नहीं होंगे, क्योंकि $5-10 आपके अकाउंट में अच्छे लगते हैं, ठीक है, वो विड्रॉ नहीं हो सकते। तो इन चीज़ों को हम सबको छोड़ना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से हमें आगे आना पड़ेगा। यार देखो हज़ार वो एक गिग को बेच के बना रहा है, ठीक है, तो जाहिर है वो भी अपने घर कुछ बेच रहा है, कुछ अपनी कंपनी चला रहा है, सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, किसी वजह से ही ये सक्सेसफुल, ठीक है। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपके पीछे टीम होती है, रिसोर्सेज होते हैं, जब तक आपके पास रिसोर्सेज नहीं है
और टीम है, रिसोर्सेज नहीं है तब भी आप फेल हो जाओगे और पैसा नहीं है तब भी आप फेल हो जाओगे। तो तीन दो चीज़ें मैटर करती हैं बिजनेस के लिए। तो खैर, ये था आज का पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम माय साइड, और मैं अब लाइव आके यही चीज़ें कवर करूँगा ताकि जो हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिसने आज तक चूरन बेचते रहे $5-10 के, जो भी काम आपको सिखाया रहे, अब ये कर लें तो वो कर लें तो फलाना कर लो, ढमकाना कर लो, $10 के गैप से ऊपर आओ भाई, $100, $200, $300 की बात करो, नई बात होती कोई बात ही। अब मैं लाइव आके रिजल्ट्स कैप्चर करके आप लोगों के सामने रखूँगा ताकि आप लोगों को लगे कि यार, इफ़ ही कैन मेक इट, वी कैन मेक इट टू। बस फ़र्क ये है कि हाउ ही इज़ मेकिंग इट, हमने कॉपी करना है कि वो बंदा कैसे बेच रहा है चीज़ को। बस इतना सा इस पूरे YouTube चैनल का फलसफा है, पूरा आप समरी समझ लो या एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है मेरे पूरे सटल 2.0 होगा, कि अगर आप लोग अपने आप के साथ सीरियस हो तो ये देखो, ठीक है, वंस आपने वो चीज़ बेचना सीख ली उसी तरीके से, क्योंकि देखो कभी कभार ये होता है कि यार जब आप सेलिंग पर आते हो ना, तो अब आपने देखा होगा जैसे जे डॉट है, आप सारे जे डॉट का कुर्ता शलवार पहनते होगे, ठीक है, क्या आता हूँ।